नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्वर्जन बिटवीन हेक्साडेसिमल नंबर एंड बाइनरी नंबर. जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कन्वर्जन बिटवीन हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल नंबर एज वेल एज डेसिमल नंबर एंड बाइनरी नंबर. तो हम लोग रेडी हैं फॉर द कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर. बाइनरी नंबर जो होता है दैट इज अ सिस्टम ऑफ टू एंड हेक्साडेसिमल इज द सिस्टम ऑफ 16. तो यहाँ पे हम लोग एक रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन बाइनरी नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर. हेक्साडेसिमल दैट इज अ बेस 16 एंड बाइनरी नंबर दैट इज अ बेस 2 इज रिटन एज वी कैन राइट 16 इक्वल्स टू 2 to power 4. तो 16 हमारा हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर एंड 2 हो जाएगा बाइनरी नंबर. तो यहाँ पे जो हम लोगों को ग्रुप बनाने होंगे, ग्रुप्स जो बनाना होगा वो 4 का ग्रुप बनाना होगा. अब ग्रुप क्या होता है, ये जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑक्टल नंबर और बाइनरी नंबर के बीच में कन्वर्जन, वहाँ पे 3 का ग्रुप बन रहा था, यहाँ पे 4 का ग्रुप बनेगा. कैसे, जैसे कोई हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2A3. अब यहाँ पे ये दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर. अगर आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो डिजिट या सिंबल्स हैं, ईच डिजिट या सिंबल्स हैं उनका हम लोग बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे इन 4 बिट्स. 4 बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट हमको ईच बिट ईच डिजिट या सिंबल का लिखना होगा. 4 बिट, ठीक है, 4 बिट बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट बाइनरी. जैसे 2 का 4 बिट इक्विवेलेंट, ए मींस 10 का बाइनरी 4 बिट इक्विवेलेंट, 3 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट. तो हमारा जो कन्वर्ट होके आएगा आंसर वो हो जाएगा बाइनरी नंबर. और बाइनरी नंबर में टोटल कितने बिट्स हो जाएंगे, 12 बिट्स. तो जब हम लोग बाइनरी नंबर लिखेंगे टू द बेस ऑफ 2 तो वहां पे आप देखेंगे कि हमारे पास 12 बिट आंसर है. ओके, सिमिलरली अगर कोई बाइनरी नंबर गिवन है, सपोज ये हमने लिखा दिस इज अ बाइनरी नंबर और आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे इसको कन्वर्ट करिए किसमें, हेक्साडेसिमल में. तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं बाइनरी नंबर में इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों शो कर देते हैं. ठीक, अब ये दिस इज अ बाइनरी नंबर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो बाइनरी पॉइंट है उससे राइट साइड और लेफ्ट साइड मूव करेंगे और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पेयर्स, बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स जो हैं उनके ग्रुप्स बनाएंगे. सॉरी, पेयर तो 2 क्या होते हैं, ग्रुप बनाएंगे, 4 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे. जैसे एक गिवन है तो हमारा यहाँ पे एक 4 बिट्स का ग्रुप यही हो गया, एक ये हो गया. अब यहाँ पे 1 0 यानी 3 बिट है तो 1 0 आप इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएंगे 3 ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स. अब हम लोग इसका कोरिस्पोंडिंग जो वैल्यू है वो लिख देंगे. तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट या 3 सिंबल का आएगा इन हेक्साडेसिमल नंबर. तो जो हेक्साडेसिमल नंबर होगा, ठीक है, पॉइंट से पहले 2 डिजिट होंगे और पॉइंट के बाद होंगे 1 डिजिट. ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, उससे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा. उससे पहले आपको ये समझना है कि कैसे हम लोग 4 बिट्स बाइनरी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं. तो वो भी बहुत इजी है. जैसे कि हमको मालूम है कि हम लोग पहले तो देखिए 4 बिट्स बनाना है, तो आप 4 बिट का कोई बाइनरी नंबर ले लीजिए, 1 1 1 1, ठीक, 4 बिट. अब इनका कोरिस्पोंडिंग आपको वेट भी पता है, यहाँ पे हो जाएगा 2 to power 0, 2 to power 1, 2 to power 2, 2 to power 3. ओके, यानी कि 1 2 4 और ये कितना हो जाएगा, 8. ओके, अब इन्हीं को यूज़ करना है और आप इजीली लिख सकते हैं. चलिए मैं आपको बता दूं,
तो यहाँ पे फोर, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल नंबर होते क्या हैं। हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। टोटल 15 हो गए। ए मीन्स इट इज 10, बी मीन्स इट इज 11, 12, 13, 14, 15, तो 0 to 15। अब इसका हमको क्या करना है, फोर फोर बिट बाइनरी रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करना है, दिस वैल्यू, दिस वेट्स 8 + 4 + 2 + 1, इस तरीके। 0 है तो 0 का यहाँ पे सिंपल 4 बिट का लिख सकते हैं 0 0 0 0। 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 इज दिस 1, तो वेट इज 1 हियर, तो ये बाकी जो पॉइंट जो बिट्स हैं 0 हो जाएंगे, 0 0 0 1। 2 के लिए दिस इज अ 2, दैट इज अ सेकेंड बिट, तो ये जाएगा 0 0 1 0। ठीक है, अगर अगर 0 0 1 0 में इनके वेट्स मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 2, 2 वैल्यू। 3 के लिए 2 + 1, तो ये हो जाएगा 0 0 1 1। 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए दिस इज 4, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0। 5 के लिए हो जाएगा 4 + 1, तो यानी कि 0 1 0 1। 6 के लिए हो जाएगा 4 + 2, 0 1 1 0। 7 के लिए हो जाएगा 4 5 6 7, यानी 0 1 1 1। 8 के लिए सिंपल 8 इज दिस 1, तो बाकी 0, तो 1 0 0 0। 9 के लिए 8 + 1 9, तो 4 और 2 0 जाएगा, यानी कि 1 0 0 1। 10 के लिए हो जाएगा, यानी ए 10 के लिए हो जाएगा 8 + 2, यानी कि 1 0 1 0। 11 के लिए हो जाएगा 8 + 2 + 1, 1 0 1 1। 12 के लिए हो जाएगा 8 + 4, ओके 12, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0। ओके 13 के लिए हो जाएगा 8 9 10 8 + 4 12 + 1, तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 13 के लिए। 14 के लिए 8 + 2 10 + 4, तो ये हो जाएगा 1 1 1 0। और 15 के लिए 8 + 2 10 + 4 14 + 1 1 1 1 1। सो इन दिस वे वी कैन राइट 4 बिट बाइनरी ऑफ एनी हेक्सा डिजिट्स। ओके, तो यही हम टेबल यूज करेंगे अपने क्वेश्चन पर। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट 2F9A टू बेस 16, टू बेस 16 टू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है बेस 16, 2F9A, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हेक्साडेसिमल और बाइनरी में रिलेशन हमने बताया था, वी कैन राइट 16 एज 2 to power 4, तो यहाँ पे 4 बिट्स का ग्रुप बनाते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिजिट या सिंबल जो भी है हेक्साडेसिमल नंबर का, उसका करिस्पॉन्डिंग 4 बिट में बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे और वी गेट द आंसर। तो बहुत इजी होता है ये, 2F9A। ओके, तो यहाँ पे ए ए मीन्स 10, तो 10 10 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1010, 1010, तो दिस इज 1010।
नाइन का होगा 9 1 0 0 1, 1 0 0 1, एफ एफ मीन्स 15, उसका 4 बिट में बाइनरी इक्विवेलेंट है 1 1 1 1, 1 1 1 1, और लास्ट में 2, 2 मीन्स दिस वन 0 0 1 0, 0 0 1 0। अब हम लोग इनको एक साथ लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा 2F9A base 16 गेट कन्वर्टेड इन टू 0 0 1 0, 0 0 1 0, देन 1 1 1 1, देन 1 0 0 1, देन 1 0 1 0 टू base 2। दिस इज आंसर। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे हम पहले भी किया था कि अगर कोई भी जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे है तो उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर पार्ट है ना, तो इंटीजर पार्ट है तो ये जो लेफ्ट में है इसको रिमूव कर सकते हैं आप। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इजीली, तो ये हो जाएगा 1 0 1, यानी कि ये 2 0 ओमिट कर दीजिए, 1 0 1 1 1 1, देन 1 अगेन, 0 0 1 1 0 1 0, ओके टू base 2। सो दिस इज आंसर। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम दोनों पार्ट ले लेंगे, दिस इज अ ए, दिस इज अ बी, हियर हेक्साडेसिमल नंबर इज 17E डॉट F6 टू base 16। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट दोनों हैं। अब यहाँ पे इंडिविजुअल हम डायरेक्ट लिखते हैं, वन वन का इक्विवेलेंट 4 बिट में, दैट इज 0 0 0 1, तो यहाँ लिखेंगे 0 0 0 1। सेवन सेवन का हो जाएगा बाइनरी इक्विवेलेंट 4 बिट में 0 1 1 1, देन 0 1 1 1। ई ई मीन्स 14, 14 का है 1 1 1 0, 1 1 1 0, देन वी राइट अ पुट अ डॉट, मीन्स दिस इज अ बाइनरी पॉइंट, देन एफ एफ मीन्स 1 1 1 1, 1 1 1 1, देन सिक्स सिक्स मीन्स 0 1 1 0, 0 1 1 0। सो दिस इज अ बाइनरी नंबर, और यहाँ पे वही करना है आपको, इंटीजर पार्ट में जो एक्सट्रीम लेफ्ट में 0 और फ्रैक्शन पार्ट में जो एक्सट्रीम राइट में 0 है उनको ओमिट करना है, एंड वी गेट आंसर एज, यानी कि ये हमारा आंसर होगा, दिस 1 0 1 1 1 1 1 1 1 6 1, देन 0.1 1 1 1 1 0 1 1, ओके फिर से चेक कर लीजिए, 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1, 0.4 बार 1 0 1 1। सो दिस इज अ एग्जैक्ट आंसर। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंटीजर जब आप इंटीजर वैल्यू जो है उसके जो लेफ्ट साइड में जितने जीरोज़ हैं और फ्रैक्शनल पार्ट में जो राइट साइड में जीरोज़ हैं उनको हटा देना होता है, और वी गेट देन आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोई भी बाइनरी नंबर को कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा बाइनरी नंबर गिवन है, अब इसमें बाइनरी पॉइंट गिवन है, यानी कि इंटीजर पार्ट एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट इज गिवन, और वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहाँ पे जो बाइनरी पॉइंट है वहाँ से हम लोग जनरली मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट एज वेल एज टूवर्ड्स लेफ्ट, और हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे 4 4 बिट्स का, 4 4 बिट्स का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे
फोर बिट, अगेन फोर बिट, अब लास्ट में वन बचा है तो इसको भी ग्रुप बना देंगे। सिमिलरली लेफ्ट साइड फोर बिट्स, फोर बिट्स, और यहाँ पे ज़ीरो एंड टू बिट्स। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड अगर देखते हैं तो टू बिट्स हैं, तो फोर बिट बनाने के लिए दो ज़ीरो इंक्लूड कर दीजिए। तो ये हमारा एक फोर बिट का ग्रुप बन गया। इसके बाद वाला ग्रुप है 1100, देन 1110, देन पॉइंट, देन 0110, 1110। और राइट साइड में आप देख रहे हैं कि वन सिंगल बिट रह गया है, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे फोर बिट्स में बाय इंक्लूडिंग जीरोस, थ्री ज़ीरो इंक्लूड करके। सो दिस इज अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग इसका करस्पॉन्डिंग हेक्सा नंबर देखेंगे, जो कि लेफ्ट टू राइट देखते हैं 0010। 0010 रिप्रेजेंट टू, दिस रिप्रेजेंट टू, देन 1100, 1100 रिप्रेजेंट 12, 12 मीन्स सी, क्योंकि आपको हेक्साडेसिमल लिखना है, तो मीन्स दिस इज सी। 1110, 1110, 1110, दैट इज 14, 14 मीन्स ई, दिस रिप्रेजेंट ई, और ध्यान से पॉइंट। देन 0110, 0110 मीन्स 6, दिस इज 6, 1110, 1110 अगेन 14 मीन्स इट इज ई, हेक्सा नंबर ई, एंड लास्ट 1000 दैट इज 8, दिस इज 8। ओके, इन दिस वे वी गेट द आंसर इन हेक्साडेसिमल नंबर, एंड द आंसर इज 2CE.6E8 टू बेस 16। ओके,